अमन यादव जी, सीधा सवाल, 10 साल कैसे रहे सरकार? बहुत अच्छे, बहुत बेहद अच्छे। मैं तो कहता हूँ राम मंदिर किसी के बाप ने नहीं बनवा दिया। रथ यात्रा, रुको मेरे बात सुनो, रथ यात्रा गई, रथ यात्रा गई, गोलियां चलवाई। गोलियां क्यों चलवाई मुझे ये बताओ, लाठी चार्ज हो सकती थी, गोलियां क्यों चलवाई? जिंदा सुनो मेरी बात, सरयू नदी आपने देखी होगी, अयोध्या के पीछे सरयू नदी थी, सरयू नदी, उस मार के उसमें फेंक दिया गया। क्यों फेंक दिया गया? मुलायम सिंह, क्या नाम था उसका, मैं तो नहीं मानता, मुलायम सिंह यादव। 15 लाख 10 लाख नौकरियां हम देंगे भाई, नहीं मिल, जो बंदा नौकरी लायक नहीं था, लाओ 10 लाख हम तुम्हें नौकरी देंगे, लाओ 15 लाख हम तुम्हें नौकरी देंगे। भाई नौकरी दे रहे हो, क्या दे रहे हो, राशन दे रहे हो, लाओ मैं ये लो। अब हम प्रधानमंत्री बनेंगे, आपको लेडीज प्रधानमंत्री चाहिए तो हम देंगे, युवा प्रधानमंत्री चाहिए तो हम देंगे, बुजुर्ग प्रधानमंत्री चाहिए तो हम देंगे। अरे भाई क्या तुम टॉफी बांट रहे हो क्या? ये टॉफी असंत तुम्हें चाहिए, आम तुम्हें चाहिए, केला तुम्हें चाहिए, ये क्या सरकार है, क्या है, फल फ्रूट है कि क्या है, इनसे पूछा जाए ना सबसे, क्या है ये मुझे बताइए ना। उत्तर प्रदेश में 6 बजे के बाद, जब सीओ की मुलायम सिंह की सरकार थी, आप 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते थे। और मैं कहता हूँ मैं, और ये सब कौन थे, मैं कुछ नहीं जानता, कौन थे मैं, बोल बोल भाई, ये बात मैं हकीकत, क्योंकि अंकल मैं भी उत्तर प्रदेश एटा जिला में, एटा जिला से बिलोंग करता हूँ मैं भी, एटा से, मेरे एटा में 50 दोस्त निकल आएंगे तो उसी। अरे सुनिए, आप यादव हो के मुलायम सिंह यादव को ललकार रहे हो, अखिलेश यादव को ललकार रहे, तो आप क्या चाहते हैं वो गलत करे? तो हाँ, बहुत अच्छा करें, जब वो गलत करेंगे तो गलत का साथ हम देंगे, हम तो नहीं देंगे। वो प्रधानमंत्री है भाई, हम तो नहीं कहते कि वो गलत काम करता है कि वो काम करता है। सब बोलते हैं पुलवामा हमले में मरवा दिया, पुलवामा हमले, कोई प्रधानमंत्री अपने देश का सैनिक बनवा देगा? ये लोग इतने नीच हो सकते थे? गिरिलो सरकार है कि ये कि वो अखिलेश यादव कहते हैं कि 100 दिन से कम समय बचा है, यूपी से बीजेपी गई। अखिलेश यादव क्या है मुझे बताओ, क्या अखिलेश यादव? पूर्व मुख्यमंत्री है, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं भाई। क्या उनकी पार्टी का क्या नाम है? समाजवादी पार्टी। मैं तो नहीं मानता। क्या मानते हैं? परिवारवादी पार्टी। पिता मुख्यमंत्री, फिर लड़कों को भी मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी। भाई हैं वो सचिव बन गए, कहाँ के भाई, कहाँ के समाजवादी रह गए, ये तो परिवारवादी हो गया ना। हाँ जी, क्या लग रहा है जिस प्रकार से MY के फॉर्मूले पर वो राजनीति करते आए हैं कि मुस्लिम यादव को लेकर के साथ चलते थे, अब यादव तो कहते हैं कि बड़ी संख्या में हम साथ हैं उनके? मैं तो नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं है, हम बिल्कुल भी नहीं है। यादव है ये है ना, आप साथ नहीं है? हम नहीं है, क्यों है? क्यों क्यों कट्टरवादियों के साथ हम नहीं रहते? जिसको राम मंदिर से, जिसको राम से, जिसको दूसरों की आस्था से परेशानी हो, उसका साथ हम नहीं देते। लेकिन वो कहते थे कि हम भी बनवा देते राम मंदिर। जी वो घंटा बनवा देते राम मंदिर, तो बनवाया क्यों नहीं? क्यों नहीं बनवाया इतने सालों? अगर वो कह रहे हैं कि मोदी मंदिर के ऊपर राजनीति खेले तो वो भी खेल सकते थे ना, बनवाया क्यों नहीं? बनवा लेते, क्यों नहीं बनवाया? हम देते वोट, क्यों नहीं बनवाया? आज मुझे शर्म आती है भारत में खड़े होकर, 57 इस्लामिक कंट्री होते हुए एक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? भाईचारा क्यों बीच में लाया जाता है? एक गाय के साथ रोटी खाने वाला और गाय को रोटी खिलाने वाला, आप सोच सकते हो भाई भाई कैसे हो सकता है? उनने हमारी बहन बेटियों को कश्मीर में कैसे खींचा था, हम भूल तो सकते नहीं है। वो भूल सकता है, लेकिन वो भूल सकता है जो ढोकला होगा, हम भूल नहीं सकते। हमें सब भले ही कुछ भी हो जाए, भले ही कुछ भी हो जाए, हमें कुछ भी करना पड़े, भाजपा ही आएगी। तो गठबंधन के साथ है, मोदी जी के साथ? मोदी जी के साथ है। मुझे सबसे सुंदर और सबसे अच्छी सरकार मोदी सरकार लगी है। मोदी सरकार जी, मुझे एक बात बताओ, कांग्रेस ने कितने साल राज करा? लगभग 60 साल। 60 साल राज करा, GDP कितनी बढ़ाई बताइए, बोलिए सर। हाँ, बताओ। 5वें नंबर पे आया GDP, 5वें नंबर पे। पहले कौन सी महंगाई? 14 में कौन सा नंबर? 2014 में आटा के रेट क्या था? 2014 में आटे का रेट क्या था? 18 रुपए किलो। आज क्या है? 32 रुपए किलो। कितने रेट बढ़े? 14 रुपए बढ़े। जनसंख्या नहीं बढ़ी? जनसंख्या तो वहीं रही होगी, आप बताइए, जनसंख्या तो वहीं रहोगी, जनसंख्या नहीं बढ़ी? अरे सुन मेरे भाई, एक सवाल यहाँ भी तो पैदा हो गया ना, आप कह रहे हैं कि जनसंख्या का स्तर लगातार बढ़ रहा। हाँ जी, सही है बात, लेकिन जब 10 साल मोदी जी को हो गए, देश के प्रधान सेवक हैं, देश के सेवक हैं, तो शायद एजेंसियों से इनपुट नहीं मिलता होगा कि हमें जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बात करनी चाहिए? जी बिल्कुल मिलता होगा, लेकिन फिर बात कहे नहीं होती 10 साल से। नहीं मैं तो नहीं मर रहा, नहीं मैं गिनती में नहीं हूँ, मैं गिनती में नहीं हूँ। आप कह रहे हो मेरे पास आधार कार्ड भी है, बैंक भाई। अरे छोड़ना, ये बात बताइए,
अरे चाचा रुकिए ना, बाऊजी 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 भाई साहब रुकिए। अब राहुल गांधी चार चार बच्चे पैदा करने को बोलता कौन है? चार चार बच्चे पैदा करने को बोलता कौन है? दो करो बच्चे, दो ही अच्छे। बड़े बुजुर्ग क्या गए, बच्चे दो ही अच्छे, क्यों करते हो चार चार? पाला नहीं जा रहा जब तुम्हारे अंदर है पैसा कमा, तुम्हारे अंदर इतनी सैलरी नहीं, क्यों कर रहे हो चार चार बच्चे? अच्छा हर चीज जो देश है वो संविधान से चलता है ना। हाँ तो संविधान से चल रहा है, अभी कैसे चल रहा है? अगर कानून बन जाएगा तो शायद ये भी चीज बंद हो जाएगी जो आप कह रहे हैं। कौन सी? तो बनाना चाहिए, तो वो तो कानून बनाना चाहिए, बनेगा। इसके लिए आवाज उठनी चाहिए ना। उठेगा उठेगा, उसके लिए भी होगा। बच्चे दो ही। राहुल गांधी को लेकर के क्या सोच रहे हैं जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर चले? वो बस चलते रह जाएंगे, चलते रह जाएंगे। मैं तो डर रहा हूँ कहीं चलते चलते इंडिया से बाहर ना चले जाए। राहुल गांधी आएगा पोगो पे, आज ये भारत जोड़ो यात्रा लेके चले ना। वो लाल यात्रा लाल चौक पे पहुंच रहे पैदल, वो 370 नहीं हटती ना, तो राहुल गांधी के खत्म। 370 हटाने के बाद गए हैं, याद रख लेना भैया जी। अच्छा वो कह रहे हैं 10 साल देश में अन्याय रहा है। क्या अन्याय रहा है? मुझे युवा परेशान है, किसान परेशान है, मुझे बताओ कौन परेशान है? दिल्ली जीत के गए, आप कौन परेशान है इधर बताओ? कोई परेशान है? कोई नहीं, नहीं जी भैया महंगाई से दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, किसान परेशान, कोई दिक्कत नहीं है, महंगाई से दिक्कत नहीं है। नहीं जी 2800 रुपए में हम तो भैया खा रहे हैं रोज, मजा आ रहा, बहुत बढ़िया मजा आ रहा है। हाँ भाई मजा आ रहा, मजा आ रहा है, देखो मजा आ रहा है। मैं तो मोदी ने डंडा दे रखा, मजा आ रहा है, दे रखा डंडा, और कहीं भी दे रखा हो, जो जो समझ गया वो समझ गया, जिसके दे रखा। साहब क्या नाम है? ब्रजेश पांडे। हाँ ब्रजेश पांडे जी, क्या कहेंगे 2024 में देश का सबसे बड़ा चुनाव लोकसभा चुनाव आने वाला, क्या लग रहा है इस बार? मन क्या कह रहा है? मन तो यही कह रहा है कि बीजेपी जाएगी। बीजेपी जाएगी? बीजेपी जाएगी नहीं, आएगी आएगी आएगी। हाँ यही आएगी। क्या किया बीजेपी? क्या किया है? हाँ। आपको क्या दिख रहा है ऊपर से नीचे तक? आपने एक जींस डाल से नीचे तक क्या दिख रहा है? फटे पुराने कपड़े कुछ पहन रखे हैं मैंने। नहीं फटी हुई जींस तो भाई साहब और महंगी आती है, क्या बात कर रहे हैं। तो बस अब लोग कह रहे हैं कि महंगाई है महंगाई है, कहाँ महंगाई है? नहीं है महंगाई मेरे। 2014 में सिलेंडर के रेट क्या थे? 2014 में कितने? 800 थे, 800 करीब, 800 करीब, इतना नहीं बताने की मेरे को, मतलब इतनी नॉलेज नहीं है मेरे को। खैर एक जिम्मेदार व्यक्ति लगता है परिवार के, इतना तो ज्ञान हो गई बस इतनी। मैथ्स का सवाल तो नहीं पूछा है ना, फॉर्मूला पूछा आपसे, पूछा सिलेंडर के भाव क्या थे? सिलेंडर के 600 थे करीब। अब कितना है? अब 1100 है। अच्छा चलो 900-1100 जो भी है। अच्छा महंगाई बढ़ी कि घटी? बढ़ गई है। बढ़ गई है लेकिन बढ़ी है तो अब बढ़ी है, वो तो उसी हिसाब से बढ़ेगी ना, जैसे जनरेशन बढ़ेगी वैसी महंगाई बढ़ेगी। जो आरोप विपक्ष लगाता है मतलब ये सही है कि भाई मोदी सरकार में महंगाई बेरोजगारी की दर बढ़ रही है? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। हमें तो नहीं लगा भाई कि कोई महंगाई है या कोई बेरोजगारी। 10 साल कैसे रहे सरकार? बहुत अच्छे रहे भाई, और आने वाले और 50 साल भी बीजेपी रहेगी, और बीजेपी की 50 साल। हाँ मैं कह रहा हूँ आपको दावे के साथ, मैं भी उत्तराखंड ऋषिकेश से रहने वाला हूँ, और उत्तराखंड में भी 2 बार से बीजेपी आ रही है, और आगे भी बीजेपी आएगी, और केंद्र में भी बीजेपी आएगी, और आने वाले और 50 साल भी बीजेपी ही रहेगी। 26 पार्टियों का गठबंधन है। अरे 26 क्या, वो 26 के 52 भी हो जाए तो भी कुछ नहीं होने वाला, ये मैं आपको गारंटीड कह रहा हूँ। अरे अरे ममता दीदी को तो छोड़ो, ममता दीदी तो अगले साल जेल में होगी, राष्ट्रपति शासन होगा बंगाल में, मैं आज बता रहा हूँ गारंटी के साथ कह रहा हूँ। बंगाल में ममता बनर्जी जेल जाएगी और राष्ट्रपति शासन लगेगा बंगाल में, और जितने बंगाल के अंदर, जो मैं भी बंगाल होके आया हूँ मैं। अच्छा मतलब जो आप कह रहे हैं कि जो आरोप विपक्ष लगाते हैं ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग होता है, मतलब वो सही है? नहीं कहीं कोई दुरुपयोग नहीं हो रहा भाई। जेल का क्या आधार है? जो गलत करेगा ना भाई उसके साथ होना चाहिए, चाहे मैं गलत हूँ चाहे आप गलत हो, जो गलत करेगा उसको अंदर जाना। आपके सामने क्या गलत किया ममता दीदी ने? अरे ममता दीदी ने बंगाल में जाके, आप देखो ना क्या गलत नहीं है, मैं बंगाल होके आया, मेरे को एक बांग्लादेशी रिफ्यूजी कह रहा भाई 1.5 फुट छोटा कर दूंगा, मैं सेल्स का बंदा हूँ, मैं जॉब करता हूँ सेल्स में, और मैंने उसको केवल इतना बोला, मैंने कहा भाई रिक्शा थोड़ा आगे कर ले, वो रिफ्यूजी बंगाली है एक मोहम्मदन, वो मेरे को कह रहा 1.5 फुट छोटा कर दूंगा साइड रास्ता बदल ले। तो भाई बंगाल में क्या करप्ट नहीं है, क्या वो नहीं है वहाँ बदमाशी, क्या वहाँ क्या नहीं हो रहा दिन रात, वहाँ मर्डर आए दिन, वहाँ कत्लेआम बलात्कार ये सब हो रहा है बंगाल के अंदर। भाई साहब जैसे योगी करना है ना यूपी के अंदर, ऐसी बंगाल में होना चाहिए, जैसे हेमंता बिश्व शर्मा आसाम में कर रहा है ऐसा होना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी उनको सबसे भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री आसाम में, उसका नसीब अच्छा है, वो तो उसको हेमंता बिश्व शर्मा अंदर बंदी करवा रहा है, उसको कह रहा मेरे को मंदिर जाने का, केवल स्टंटबाजी करता है कि मंदिर जाने के लिए सब जाएंगे भाई, अयोध्या में गए नहीं थे इतने मुस्लिम मौलाना मौलवी सब गए, किसी के लिए जाने के लिए मना ही नहीं है भाई। 22 तारीख को यहाँ नेता क्यों ठोकरा दिए? अधिकार बीजेपी और आरएस का कार्यक्रम। अरे तू वहाँ किसका है सरकार? वहाँ भी तो बीजेपी और आरएस का सरकार है। कार्यक्रम में और सरकार में अंतर है। सरकार के यहाँ बोलोगे बीजेपी का है, वहाँ तुम्हारा है, वहाँ भी तो बीजेपी का ही है भाई। वो मंदिर में जा रहे थे, वो किसी इवेंट में नहीं। तो भाई यहाँ भी तो मंदिर में जाना था,
यहाँ कौन उसको प्राइवेट बुलाया हुआ था? उन्होंने कहा कि 22 तारीख को नहीं जाएंगे, उसके बाद जा सकते हैं। नहीं तो क्यों, उसके बाद क्यों भाई? उन्होंने बयान दिया ना, इतना इज्जत दिया, बुलाया, इसे तो बुलाना नहीं चाहिए। किसने बुलाया? बीजेपी ने आपको जब बीजेपी ने बुलाया या वीएचपी ने बुलाया, चाहे जो भी बुलाया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बोल रहे हैं 22 तारीख को बुलाया, आप कब दिल में रहता राम में, अगर दिल में रहता तो आप वहाँ जाना चाहिए। वो तो कहते थे राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था। अरे भैया ताला खुलवाया था क्यों नहीं बनवा दिए, आज आपका लोग नाम मिलता। आप कह रहे हैं राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने राम जी के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया कि राम जी काल्पनिक है। और ऐसे लोग आप कह रहे हैं कि 22 जनवरी क्यों नहीं बुलाया, 22 जनवरी को सबको आमंत्रण था जिन्होंने राम जी का विरोध किया या जो समर्थन में थे, उसके बाद भी उनको लगा कि भैया हम 22 जनवरी को वहाँ बैठेंगे कैसे, लोगों का सामना करेंगे कैसे, हम तो वो लोग हैं जिन्होंने सीधा आके राम जी का विरोध किया था, हम तो वो लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वकील खड़े किए कि राम जी काल्पनिक है और राम मंदिर यहाँ पे नहीं बनना चाहिए। और वहीं विश्व हिंदू परिषद या हम कह सकते हैं केंद्र सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सालों से इसके लिए संघर्ष किया, और वो संघर्ष कोई राजनीतिक संघर्ष नहीं है। हम देख सकते हैं कि जब वहाँ कार्यक्रम हुए तो लोगों की आँखें नम थी, हर व्यक्ति जो टीवी से देख रहा था उसकी आँखें नम थी, क्योंकि राम जी हमारे हृदय में बसते हैं, प्रत्येक भारतवासी के हृदय में बसते हैं। इसलिए उस कार्यक्रम में हम भी नहीं गए, लेकिन हम टीवी के माध्यम से वहाँ जुड़े रहे। हम अगर जा सकते थे तो हम जरूर जाते, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि 22 जनवरी को क्यों नहीं गए, तो वहाँ जाना ही जाना चाहिए था।